के दुर्गाधाम को जून 2017 से स्टार्ट हो गए। आपने इलाज कहाँ कहाँ कराया था इसका? सबसे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में कुरावली है वहाँ डॉक्टर के पास गया, वहाँ से दवाई लिया, फिर वहाँ से नहीं कुछ असर पड़ा, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में ही गांव एक शरीफपुर गांव बोल रहेगा, वहाँ से बंगाली डॉक्टर है, एक और डॉक्टर है, उन्हें से मैंने दवाई दिया जो कि उसकी कीमत लगभग 9000 के लगभग वहाँ खर्च कर दी, वहाँ से भी कोई हमको फायदा नहीं मिली। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट गेटा में जो कि एक कस्बा है जो धुमरी है वहाँ एक डॉक्टर से दवाई लिया, वहाँ पर लगभग 8-9 हज़ार रुपये बर्बाद कर दिया, हमको कोई फायदा नहीं मिला। इसी दौरान मेरे आदमी ने बताया कि ऐसा करो ऑन घाट के पास में एक गांव है वहाँ पर आप चले जाइए, वहाँ पर डॉक्टर अच्छा है जो कि आगरा से आए हुए हैं। वहाँ गया तो मैं लगभग वहाँ पर 22-23 हज़ार रुपये मैंने बर्बाद कर दिया, हमें वहाँ से भी कोई फायदा नहीं मिली। फिर मैं वहाँ से आया जो कि डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में कस्बा आया जो कि भोगांव, वहाँ डॉक्टर से मैंने फरमाश की, वहाँ से दवाई लिया और मैं बोला डॉक्टर साहब आप मेरे शुगर नाप, वहाँ जो शुगर नापी तो 650 के लगभग 650 यार। फिर मैं वहाँ से दवाई ले चलता रहा तो दवाई का कोई असर नहीं पड़ा, जब तक दवाई लेता था तब तक वहाँ को थोड़ा असर पड़ता था, दवाई छोड़ देता था और दवाई मानो जो शुगर थी बढ़िया थी। इसी प्रकार चलता रहा, लास्ट में मैं प्रस्त हो गया जो कि लगभग मैंने 1.5 लाख रुपए की दवाई बर्बाद कर, 1.5 लाख रुपये खर्च कर दिया, खर्च हो गया। इसी के दौरान कुछ हम अपना सरकारी हॉस्पिटल जो मैं एमएच है आर्मी का, हाँ उसमें गया। तो आप आर्मी में थे? नहीं रिटायरमेंट था। हाँ आर्मी, हाँ आर्मी में था लेकिन रिटायरमेंट, जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कोई गोली दे देते और अपना ट्यूब दे दिया और जाओ ठीक हो जाओ, बोला कि हम आपको आगरा रेफर कर देते, मैं बोला सर आगरा मैं नहीं जाऊँ। फिर मैं आगरा प्राइवेट डॉक्टर के पास गया, वहाँ से दवाई लेके वापस आ गया। फिर दोबारा कहते हुए डॉक्टर के पास गया भगवान, उन्होंने बोला कि अगर ये हालत करती रही तो आप कुछ दिन के ही मेहमान हैं, कुछ दिनों के मेहमान हैं। हाँ तो मैं घर आ गया, बोलते मैं बोला मरना है तो वाला क्यों नहीं खा पी के मरो, मान लो क्यों परेशान किसी करो, मतलब ज़्यादा दिमाग आपका खराब हो गया बहुत ज़्यादा, खाई नहीं दे रहा था, कोई मतलब नहीं था। मैं यहाँ से गया अपने 2 माइल पर जो कि भाई समर खेत में लगी हुई है और मैं वहाँ 5 साल लिखे पर वहाँ से अंडे मंगाए और मैंने वहीं पर अपना दारू वारू किया और अंडे खाए। अच्छा आपका मन फिर करने लगा कि अपनी इच्छाएं पूरी कर लें, बाकी तो जो होना है वो होगा। एक दिन मैं दूसरे दिन क्या हुआ, मैं आके यहाँ पर अपना घर आ घर से मैं जाके नहा धो के पहुँचा मंदिर पर तो वहाँ बैठा हुआ था मैं, लगभग 9-10.30 बजे का टाइम था जो कि मैं बैठा हुआ था, मास्टर सुखबीर सिंह वहाँ पर स्कूल में पढ़ाने के लिए आए थे। मैं बोला मास्टर साहब आ जाओ ठंडा लो, तो मास्टर साहब उधर आ गए, बोला ठीक है, बोला भाजी हाँ आपको कब से तो आपकी हालत हालत क्यों खराब है क्या बात है। मैं बोला कि मुझे तो शुगर 650 हो चुकी है, मैं तो बहुत बड़ा परेशान हूँ और मुझे तो अभी जीने के लिए जगह ही नहीं रही है। बोला अच्छा, मैं बोला हाँ शरीर कैसा हो गया था वो बताओ। अच्छा शरीर में ये हालत थी जो कि पूरे शरीर के अंदर चटा पड़ गए थे,
और शरीर में कोई भी उठा नहीं जाता, बाल नहीं था और कुछ चलने के लिए मुझे इतना परेशान था जो कि मैं 10 मीटर चलने में बिल्कुल असमर्थ हो चुका था। मतलब लास्ट स्टेज कौन लास्ट की मान लो बिल्कुल। वेट कितना था, कितना हो गया वेट मेरा? जब मैं गांव में आया था तो उस टाइम मेरा वेट लगभग 1 क्विंटल और 10 किलो था जी। और जब बीमारी जब बीमार हुआ तब मेरा वेट वो 75 किलो के लगभग रह गया। उतना वेट कम हो गया, इतना हो गया। फिर डॉक्टर साहब अपना मास्टर जी ने ये बोला कि ऐसा करो कि मैं कोई दवाई दिलाऊं आपको। मैं बोला इससे अच्छा क्या है। बोला ठीक है मैं एक SPS एक कंपनी है हाँ बस भाई एक बात हो गया। मैं बॉटम बोल दिया आपने उसमें बोल दिया जो कि ये दवाई है इसके साथ में। अच्छा हाँ ये डायवोडॉक है। डायवोडॉक और इसके साथ एक और ठंडा होते हैं ठंडा ब्लॉक जी उसको था। अच्छा हाँ जब आप दोनों पीता था मैं जब आपने ये दोनों पी तो इसने आपको कितने दिन में रिलीफ दे दिया? ये 15 दिन के अंदर इसने मुझे पूरा फायदा दे दिया। मतलब आपको उम्मीद जगने लगी? उम्मीद जगने लगी मैं अभी कुछ दिन जिंदा रहूंगा। देखिए साहब तो मतलब SLPS बैरनेस की इन्होंने डायवोडॉक और थंडर ब्लास्ट मतलब इन्होंने लेना शुरू कर दिया और ये 15-20 दिन में मतलब एकदम उमंग सी जगने लगी और मतलब ये जीवन आज ये बहुत अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं और इसी दवाई की देन है। मतलब आज जो को मैं अभी बिल्कुल कोई मेरे परेशानी नहीं है और अभी शुगर बिल्कुल भी नहीं है। मुझे आप अभी इसको ले रहे हैं या नहीं? अभी बिल्कुल नहीं ले रहा मैं बंद कर दिया। बिल्कुल बंद भी कर दिया? बिल्कुल बंद कर दिया। देखिए आप ये पूरी तरह से स्वस्थ है। कितने दिन हो गए बंद किए हुए? कितने दिन हो गए बंद किए हुए इसको? मेरे बंद किए हुए लगभग 35 दिन हो गया। मतलब 1.25 महीना हो गया है तब से आप बिल्कुल कुछ नहीं। आप मीठा भी थोड़ा लेते हैं क्या? मैं तो कभी कहीं पहुंच गया तो खा लेता हूँ। मीठा भी खा लेते हैं आप? बिल्कुल। मतलब कितनी डब्बा लिया आपने डायवोडॉक? ये डायवोडॉक और थंडर ब्लास्ट के कितने कितने डिब्बे लिए थे? डायवोडॉक का मैं 6 लिया था जी और थंडर ब्लॉक को जो लिया था मैं 4 लिया था। अच्छा डायवोडॉक के 6 डिब्बे लिए थे और थंडर ब्लास्ट के 4 डिब्बे लिए थे। 4 और 6 10 डिब्बों में मतलब इनका शुगर पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब ये स्वस्थ है पूरी तरह। आपका कितना पैसा लगा था इसमें? इसमें आपने कितना पैसा लगाया था? इसके अंदर जो था पैसा लगा था 12,713 रुपया। मतलब आप लाखों रुपए खर्च कर चुके थे। हजारों में ठीक हो गए आप? मतलब 12,000 रुपए में बिल्कुल आप स्वस्थ हैं। बिल्कुल। देखिए अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप बिल्कुल फिट हो। अब आप मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं? आप बिल्कुल तंगड़ा हो बता रहा हूँ। मतलब आपके अंदर कैसा था शरीर वैसा ही बनता जा रहा है। बनता है यस। तो इस कंपनी के बारे में दवाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कंपनी बहुत अच्छी है और आप लोग जो भी है सभी आप भी इसी कंपनी दवाई लें। बाकी तो बवाल बंदी है। अच्छा हाँ मतलब ये दवाई आपको तुरंत आराम पहुँचाई? बिल्कुल। और मतलब हर बीमारी में मतलब कामयाब होती है? तुरंत आराम पहुँचा रही है। देख धीरे धीरे काम करती है एकदम असर नहीं करता। ठीक है अजय जी मतलब इस दवाई को हम आगे भी बढ़ाएंगे और लोगों को बताएंगे। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। इस दवाई ने आपको मतलब जीवन दान दे दिया है। तो सर ये जो कंपनी है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड इसके जो MD है संजीव कुमार उसके लिए आप क्या कहेंगे? वो तो भगवान है आपके लिए। बिल्कुल जो कि हमारे प्राण बचा दिए जी। ऐसे पता नहीं कितने लोगों के प्राण बचाए होंगे उन्होंने जी। वो तो भगवान।